वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आज क्लास है. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एज ऑफ मैटरनिक. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसका काल जो है 1809 से 1848 तक था और ये क्लीमेंस वेंजल वॉन मैटरनिक नाम से जाना जाता है. और जर्मनी में इसका नाम था क्लीमेंस वेंजल नेपोमुक लोथार फर्स्ट वॉन मैटरनिक वाइनबर्ग जू बैलेस्टीन. और इसका बाद में यही नाम अंग्रेजी में जब इसका रूपांतरण हुआ तो जाना जाने लगा क्लीमेंस वेंसलस लोथार वॉन मैटरनिक विंसबर्ग बैलेस्टीन. और इसका जन्म 1773 में हुआ और मृत्यु 1859 में हुई. वह एक अच्छा पॉलिटिशियन था और ऑस्ट्रिया समाज का जो मतलब साम्राज्य था ऑस्ट्रियाई, वहाँ का ये चांसलर था, विदेश मंत्री था और बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली एक पॉलिटिशियन बना था. जब उसने देखा कि नेपोलियन की जब वाटरलू में पराजय हुई तो मैटरनिक यूरोप की राजनीति का सर्वोसर्वा बन गया, क्योंकि वो नेपोलियन का बहुत बड़ा विरोधी था. जब वो राइन नदी के इलाके में एक जगह पर रहता था, उसके फादर जो है एक जगह लैंडलॉर्ड थे, तो वो जगह नेपोलियन ने युद्ध के समय में उसकी छीन ली थी. तब से वो नेपोलियन का विरोधी हो गया था और फ्रांस की क्रांति का भी विरोधी हो गया था. उसके दिमाग में ये वाली बात बैठ गई थी कि क्रांति बहुत बुरी चीज़ होती है, राष्ट्रीयवाद बहुत बुरा होता है, क्योंकि नेपोलियन ने किया भी ऐसे ही था. फ्रांस की क्रांति का सहारा लिया था और अपनी तानाशाही उसके ऊपर सुपर इम्पोज की थी. तो ये वाली बात जो है, नेपोलियन ने भी गलत बातों को एडॉप्ट किया अपने स्वार्थ के लिए. और इसका प्रभाव जो है मैटरनिक के जो दृष्टिकोण पर पूरा गलत पड़ा उसके दिमाग पर, और उसने अपना दृष्टिकोण भी उल्टा मतलब कर लिया था. और ये उसकी जो है बहुत संकीर्ण सोच थी. किसी भी व्यक्ति को इतिहास में यदि कोई इस प्रकार का व्यक्तित्व उत्पन्न होता है तो हमें उसकी अच्छाइयों बुराइयों दोनों का एनालिसिस करना चाहिए. जैसे हम बोलते ना कि इतिहास जो है हमको कई बातों की सीख देता है, क्या हमारे पुरखों ने गलती की है उससे हमें क्या सीखना है. तो ऐसी नज़रिया ऐसा दृष्टिकोण हमें विकसित करना चाहिए. अब होना ये चाहिए था मैटरनिक को, नेपोलियन ने जो भी किया तो उसकी बातों से उसको सीख लेना चाहिए था. जबकि उसने क्या उल्टा ही उसके दिमाग पर ये बात बैठ गई कि फ्रांस की क्रांति का ही विरोधी हो गया था वो, और किसी भी देश में भले अपने ही देश की बात क्यों ना हो, वो राष्ट्रवाद का ही विरोधी हो गया था. इसीलिए बाद में फिर ऑस्ट्रिया जो है बहुत पिछड़ गया था, उसने कहीं उन्नति ही नहीं की थी. ये बाद में अपन देखेंगे. इस तरह से 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास का जो काल जाना जाता है वो मैटरनिक युग जाना जाता है, या एज ऑफ द मैटरनिक जाना जाता है. मैटरनिक ये पढ़ा हमने कि 1773 में कोब्लेंस सिटी में उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, और बहुत अच्छे फैमिली का था और यूनिवर्सिटी में अच्छा एजुकेट भी हुआ था. फ्रांस की क्रांति के समय उसने ये देखा था कि वो कुलीन था, एलिट क्लास को बिलोंग करता था, तो उसने देखा था कि कुलीन वर्ग जो है बहुत अच्छे जो एलिट क्लास के लोग हैं वो फ्रांस की क्रांति से तितर बितर हो गए थे और इधर उधर भागने लगे थे. तो उनके मुख से उनकी बात को, उनकी दुख भरी गाथा को जो है उसने सुना था, तो तभी से उसको ऐसा लग रहा था कि क्रांतिकारी भावनाओं अच्छी नहीं होती हैं, और उसी का वो शत्रु बन गया था. उसके फादर भी रोमन एम्पायर में बहुत अच्छे कोई बड़े पद पर थे, जर्मनी के वो जो है लैंडलॉर्ड थे. और मैटरनिक जब अपना स्टूडेंट लाइफ थी तभी से जो है वो नेपोलियन का कट्टर विरोधी बन गया था. नेक्स्ट है मैटरनिक ये चाहता था निरंकुश शासक का समर्थक था. वो देवी शासन या देवी सिद्धांत को बहुत बल देता था. राजा की जो राज्य व्यवस्था होती थी राजा के द्वारा, उस पद्धति को बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करता था, उसका सम्मान करता था. और राजा को ये मानता था कि ईश्वर का ही वो प्रतिनिधि है, देवत्व का सिद्धांत. इस तरह से वो चाहता था कि निरंकुश शासन ही रहे और कोई बदलाव ना हो, स्टेटस क्वो मतलब यथास्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहे, उसका वो फेवर करता था. इस तरह से मैटरनिक व्यवस्था और उसकी जो पॉलिसी थी वो ऑस्ट्रियाई आवश्यकताओं पर थी. मतलब ऑस्ट्रियाई में लोग उस वक्त क्या थे, मतलब अब ये भी देखने का हमको अपनी दृष्टि रखने का समय है, या हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया मैटरनिक ने,
एक तो ये वाला कारण मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन की जो आतताई थी, इस कारण वो राष्ट्रवाद का विरोधी हो गया था। उसके दिमाग में नेपोलियन के प्रति बहुत घृणा भर गई थी, क्योंकि उसने देखा था फ्रांस की क्रांति में किस तरह से कुलीन वर्ग तितर बितर हो गया और किस तरह से दुखदाई अपने घर बंगलू सब वगैरह छोड़ करके वो किस तरह से बिल्कुल बेघर बार हो गए थे। तो इस तरह इस कारण वो जो है बहुत उसने राष्ट्रवाद का वो विरोधी था। लेकिन एक कारण और भी था इसके साथ में, वो ये कारण था कि ऑस्ट्रिया में जैसे कि भारत में अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, वैसे ऑस्ट्रिया में भी विभिन्न जाति भाषा धर्म परंपरा के लोग जो है व्याप्त थे उस वक्त। तो यदि मान लो राष्ट्रीय भावना का उदय हो जाएगा तो हर हर क्षेत्र जो है, जैसे अपने यहाँ पर छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बंगाल अलग हुआ, या हर पंजाब है, मतलब मांगेंगे, वो डिमांड करेंगे कि हमें अपना जो स्टेट अलग अलग हो जाएगी। तो इस तरह से उसको भी ये बात का मतलब भय था कि राष्ट्रवादी भावना यदि परंपरा यदि पनप जाएगी तो पूरा ऑस्ट्रियाई राज्य जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। ऐसी स्थिति में मेटरनिक की नीति किसी भी कीमत पर उभरती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचल डालने वाली थी। तो वो ये चाहता था कि वैसा ही एज इट इज स्थिति बनी रहे। कम टू द नेक्स्ट पेज, एज ऑफ द मैटरनिक में हम ये देखेंगे कि वो युद्धों, वो भी ये भी चाहता था कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के बाद यूरोप में जब मैटरनिक का उदय हुआ तो एक नया युग का सूचक था, जिसको कि हम मैटरनिक युग कहते हैं। और ये 1815 से 48 तक रहा और उसने अपने तरीके से अपनी राजनीति को अपने तरीके से संचालित किया। और उसमें उसके दो थॉट्स थे, प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील विचारधाराओं में ज़बरदस्त संघर्ष था। मतलब रिएक्शनिस्ट थे एक तरफ और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव कंसेप्ट वाले लोग थे। तो ये आपस में इन लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और इसी इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, जो मैटरनिक युग था वो इसी क्योंकि वो प्रतिक्रियावादी था, है ना। वो चाहता था कि एज इट इज़ देश, मतलब पूरा यूरोप रहे, कोई क्रिया की मतलब सिर्फ प्रतिक्रिया में ही वो विश्वास रखता था। प्रतिक्रियावादी था और अनुदारवादी था, मतलब लिबरल नहीं था वो, और प्रगतिशील विचारधारा वाला भी नहीं था। तो एक क्लास जो थी वो प्रगतिशील विचारधारा वाली थी। तो इस तरह से उसमें और इसमें ये दो कन्फ्लिक्शन इस प्रिंसिपल्स में होते रहे और यही मैटरनिक युग की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी थी। और एक तरफ राष्ट्रवाद प्रजातंत्र की भावना थी, मतलब यही प्रगतिशील विचारधारा थी। प्रगतिशील विचारधाराओं से मतलब था एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनलिज्म डेमोक्रेसी था, नेशनलिस्ट डेमोक्रेसी, मतलब राष्ट्रवाद प्रजातंत्र की। राष्ट्रवाद इस तरह से था कि प्रजा के अंतर्गत ही डेमोक्रेसी को ही, मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के समर्थन में, तो ये वाली भावना बहुत बलवती थी। और दूसरी तरफ अनुदारवाद और प्रतिक्रियावाद, अनुदारवाद और प्रतिक्रियावाद, ये मैटरनिक का प्रिंसिपल था। तो इस तरह से वो प्रतिक्रियावादी विचारधारा का समर्थक था और वो ये चाहता था शासन करो और कोई परिवर्तन मत होने दो। और इसीलिए उसने ये वाली प्रतिक्रिया को सार्थक रूप देने के लिए कई उसने अपने तरीकों को का उपयोग किया और जिसको बोलते हैं मैटरनिक व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यूरोप में संतुलन कायम करना और शांति कायम करना। और वह संतुलन जिसे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने भंग कर दिया था, तो वो चाहता था कि पूरा, और हुआ भी, उसके बाद में 40 वर्ष तक यूरोप को शांति मिली, भले ही ऑस्ट्रिया जो है पिछड़ गया। थोड़ा सा यहाँ पर बराबर आ नहीं रहा है उसको। अब इस तरह से देखेंगे कि मैटरनिक ने सबसे पहले बड़ा काम यह किया कि उसने एक लंबे अरसे तक यूरोप को शांति प्रदान की। नेपोलियन के युद्ध से बहुत लहलुहान जो यूरोप था वो आराम और शांति चाहता था, और उसे वो मैटरनिक के द्वारा मिली भी। मैटरनिक ने अपने कार्यकाल में पूरा मतलब ये वाला माहौल इस प्रकार का क्रिएट किया। तो वो अपने समय का एक महान कूटनीतिक था और अपने समय में वो यूरोपीय राजनीति का केंद्र भी था। अब उसने बहुत सारे कोशिश की, राष्ट्रवाद, उदारवाद, प्रजातंत्र की भावना, और यूरोप को प्रभावित भी कर दिया उसने। मतलब
न तो राष्ट्रवाद आने दिया, न उदारवाद आने दिया, न प्रजातंत्र, मतलब नो नेशनलिज्म, नो लिबरलिज्म, नो डेमोक्रेसी। तो इस तरह से उसने यूरोप को एज इट इज फॉर्म में रखा और औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तनों में मैटरनिक व्यवस्था के का पतन बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि एक तरफ से मैटरनिक सरकार की पिछड़ी हुई आर्थिक नीति से ऑस्ट्रिया अशांत हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया में एक दल और भी था, तो वो परेशान हो गया कि कहीं कोई विकास भी नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो श्रमिक वर्ग थे उनकी कठिनाइयों ने मैटरनिक को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, और उन्होंने फिर कहीं ना कहीं से जो है चोरी छुपे साहित्य ऑस्ट्रिया आने लगा, और फिर कम्युनिकेशन जो है स्ट्रांग हुआ, और एक से दूसरे, दूसरे तीसरे ऐसे करके बहुत लोग मैटरनिक के अपोज में खड़े हो गए, और वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग होने लगी, मतलब राष्ट्रवाद पहुँच गया। इस तरह से मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति का अंत में न तो राष्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के हित में रही और न ही यूरोप के अन्य निरंकुश शासकों के हित में रही। इस तरह से ऑस्ट्रिया में जो निरंकुश राजतंत्र था वो बनाए रखने में वो सफल हुआ, लेकिन उसकी नीति से ऑस्ट्रिया को बहुत हानि हुई, और ऑस्ट्रिया धीरे धीरे यूरोप का एक पिछड़ा देश रह गया। इस तरह से उन्नति, प्रगति, विकास की दौड़ में बहुत बुरी तरह पिछड़ गया, और मैटरनिक के पतन के लिए यही सबसे बड़ा कारण रहा, और ऑस्ट्रिया को इस तरह से कुछ भी हो, वो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, उसने मतलब हर तरीके से, हर संभावना से ऑस्ट्रिया को मजबूत किया, और ये उसका मूल्यांकन करते हुए एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है उस समय के, तो प्रोफेसर फिशर ने स्वयं कहा है कि मैटरनिक प्रणाली से ऑस्ट्रियन शासकों की एक पीढ़ी का यश प्राप्त हुआ, क्योंकि यूरोप में शांति स्थापित हो गई थी, है ना। इन लोगों को उन दिनों युद्ध की कठिनाइयों का ही सिर्फ ज्ञान था। तो मैटरनिक का मूल्यांकन अभी हमने देखा पिछली वाली स्लाइड में। तो इस तरह से मैटरनिक में एक महान राजनीतिक नेता के पूरे गुण थे, और वह अच्छे शांत चित्त भी था, गहरी सूझ भी था, देशभक्त भी था, है ना। तो इस तरह से जर्मनी भाषाभाषी देशों को तो उसमें बहुत असीम ही विश्वास था, अपने देश के मुक्तिदाता और नवीन यूरोप के निर्माता के रूप में उसका बहुत सम्मान किया जाता था। और मैटरनिक उसने इस तरह से अत्यंत मतलब क्रांति और स्वेच्छाचारी शासन दो प्रणालियों के बीच उसने पूरा मार्ग खोजने की कोशिश ही नहीं की, परंतु उसके क्रांति से बहुत अत्यंत घृणा थी, और इसलिए उसने इस भावना का, जिसे समाज में मानवतापूर्ण जीवन की आत्मा अथवा स्वतंत्रता का प्राण माना जा सकता है, दमन करने का बीड़ा उठाया। इस तरह से 1815 ईस्वी के बाद 40 वर्षों तक यूरोप में शांति व्याप्त रही, और उसका जो बल मतलब श्रेय दिया जाता है वो मैटरनिक को ही दिया जाता है। और हालांकि ऑस्ट्रिया को नुकसान हुआ, पिछड़ गया, और उसका मैटरनिक का स्वयं का भी पतन हुआ। तो युद्ध इस तरह से मैटरनिक के ऊपर काफ़ी प्रश्न आते हैं, नेपोलियन पर आते हैं, नेपोलियन के अंतर्गत जो है यूरोप का कॉन्सर्ट आता है, और वियना कांग्रेस आती है, उसके सुधार और उत्थान और पतन, उसी प्रकार से मैटरनिक चांसलर के रूप में या मैटरनिक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अब नेक्स्ट में जो है हम और आगे इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।